तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर 27 सितंबर को संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के द्वारा आयोजित भारत बंद को सफल बनाने को लेकर शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा कोडरमा जिला इकाई की एक बैठक कोडरमा स्टेशन के समीप स्थित एक्सेलेंट होटल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा के संयोजक उदय द्विवेदी ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए 24, 25 और 26 सितंबर को जिले के विभिन्न गांवों में पर्चा वितरण कर और माइक के माध्यम से अनाउंस कर लोगों से भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान किया जाएगा। इसके अलावा भारत बंद के पूर्व संध्या 26 सितंबर की शाम झुमरे तिलैया के कला मंदिर प्रांगण से एक मशाल जुलूस निकाली जाएगी, जो महाराणा प्रताप चौक होते हुए वापस झंडा चौक पर पहुँच कर सभा में तब्दील हो जाएगी। वहीं 27 सितंबर को सुभाष चौक पर शहीद आजम राष्ट्रनायक भगत सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण कर सुबह 6 बजे से सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर भारत बंद को सफल बनाएंगे। बैठक को सीपीआई के महादेव राम प्रकाश रजक, सीपीआईएम के असीम सरकार रमेश प्रजापति, भाकपा माले के विनोद पांडे, आम आदमी पार्टी के दामोदर यादव, गुलाम जिलानी, बसपा के प्रकाश अम्बेडकर, निर्माण मजदूर यूनियन के प्रेम प्रकाश, सिविल सोसाइटी के अमित कुमार और राहुल सिंह ने भी संबोधित किया। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।